चलिए गाइस, अब शुरू करते हैं परक्विजिट और उसका वैल्यूएशन कैसे करना है। अगेन सिंपल बट वेरी इंटरेस्टिंग है ना, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब तक हमने बेसिक पेमेंट्स देख लिए और उसके बाद अलाउंसेस देख ली, अलाउंसेस की टैक्सेबिलिटी भी देख ली, अब परक्विजिट और फिर लास्ट में रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो अभी ये परक्विजिट्स के दो चार लेक्चर चलेंगे है ना, और हर एक परक्विजिट का वैल्यूएशन हमको करना है। अब वैल्यूएशन क्यों बोल रहा हूं मैं, इसका कारण यह है देखो कि अलाउंसेस तो था कि मैंने आपको कैश में अलाउंस दे दिया तो हम वो सैलरी में ऐड कर देते थे, अगर एग्जेम्प्ट है तो उतना माइनस करके फिर अपन उसको सैलरी में ऐड कर देते। अब परक्विजिट मतलब मैंने बोला था आपको कि मैं आपको क्या कर रहा हूं, मूवी की टिकट दे रहा हूं, दैट इज परक्विजिट। बट मूवी जाने के लिए मैं आपको पैसे दे रहा हूं तो वो अलाउंस हो गया। तो अब मैं पैसे दे रहा हूं तो अलाउंस तो कैलकुलेट हो जाएगा, बट अगर मैं टिकट लाके दे रहा हूं आपको तो फिर उसका वैल्यूएशन कैसे करना। या फिर परक्विजिट में दूसरा एग्जाम्पल, मैं अगर आपको बंगलो रहने के लिए दे रहा हूं तो फिर वो परक्विजिट हो गया आपके लिए, वो बंगलो का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, मतलब आप सैलरी में वो बंगलो कैसे ऐड करोगे, तो वो बंगलो की वैल्यू कितनी रहेगी, वो वैल्यूएशन हमको यहां पे देखना। तो अलाउंसेस में इतना दिक्कत नहीं रहता है, क्योंकि जैसा अभी अलाउंसेस में मैंने आपको हाउस रेंट अलाउंस दिया तो हमने क्या किया, वो अलाउंस मिला हमको कैश में, हमने उसमें से जितना एग्जेम्प्टिव बाहर निकाला और फिर बचा हुआ टैक्सेबल किया। बट अब परक्विजिट में ऐसा नहीं है ना, परक्विजिट में तो पूरा का पूरा घर ही आपको मिल रहा है, अब घर कैसे ऐड करेंगे आप सैलरी में, तो फिर वो घर का वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा। या फिर एम्प्लॉयर ने आपको मोटर कार दे दी, अब मोटर कार कैसे सैलरी में ऐड होगी, तो उसका वैल्यूएशन कैसे होता है एंड ऑल, ये सब चीजें अब हमको परक्विजिट के वैल्यूएशन में देखना है। तो परक्विजिट आर द बेनिफिट्स again given by employer to employee, and normally perquisites are in kind, perquisites normally are in kind, but in some cases कभी कभी कैश reward लिखा हुआ वहां पे मिलेगा। अब ये कैश कहां से आया ये भी मैं आपको बता दूं है ना। तो कैश मतलब कैसे, कि मान के चलो कि हमारे ऑफिस में पार्टी है ना, तो पार्टी करने की इच्छा हुई सब एम्प्लॉयज और आर्टिकल्स की, तो मेरे केबिन में आए और मुझे बोले सर आज हमको है ना तो आइसक्रीम खाने की इच्छा हो रही। बोला अच्छा वेरी गुड तो जाओ, तो नहीं बोले सर आप भी साथ में चलो। बोला देखो यार मुझे रिकॉर्डिंग करना है, स्टूडेंट्स इंडिया लेवल पे मेरा रिकॉर्डिंग का वेट कर रहे, तो मैं तो नहीं आ सकता, आप एक काम करो आप आइसक्रीम खा के आ जाओ और बिल साथ में लेके आ जाना, मैं उसको रिएम्बर्स करवा दूंगा। आपके समझ में आया? यस। अगर अलाउंस होता तो मैं क्या बोलता था कि ये पैसे लो और आइसक्रीम खा के जाके आओ, तो मैं उनको 5,000 रुपए दिए, अब वो 5,000 देने के बाद वो आइसक्रीम चाहे 1,000 रुपए की खाए, चाहे 4,000 की खाए, चाहे 10,000 की खाए, मैंने उनको 5,000 अलाउंस दे दिया। बट परक्विजिट में क्या होता है कि मैं उनको आइसक्रीम लाके देता हूं, यहां लाके नहीं दिया, यहां क्या बोला आप खा के आ जाओ और बिल लेके आना, मैं उतना ही रिइंबर्समेंट कर दूंगा जितना आइसक्रीम का बिल हो गया। सो वो कैश में उनको दे रहा हूं। सो व्हाट आई मीन टू से समटाइम्स परक्विजिट कैन बी इन कैश इन दिस टाइप, मतलब आप मैं आपको उतना ही वैल्यू दूंगा जितने वैल्यू का आप आइसक्रीम खा के आए, या जितनी वैल्यू उस परक्विजिट की है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो समटाइम इट कैन बी इन कैश ऑल्सो, राइट। तो अभी ये कुछ खास इंपॉर्टेंट पेज नहीं है, मैं ये तो परक्विजिट इंक्लूड वाला पार्ट जो है यहां का पार्ट तो हम सीधा तभी देखेंगे जब हम डायरेक्ट परक्विजिट का वैल्यूएशन करें, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ परक्विजिट दिए A to H तक, तो वो तो हम लोग जैसे जैसे एक एक परक्विजिट देखेंगे मैं आपको बताते जाऊंगा। ओके, तो ऊपर क्या लिखा है वो फटाफट मैं आपको बता देता हूं। देखो पहला पॉइंट, मीनिंग देखो क्या है परक्विजिट्स का। परक्विजिट्स इंक्लूड any amount due to or received in lump sum or otherwise by an assessee from the employer. Perquisites are usually attached to the positions. मतलब क्या सिंपल कि जैसे अगर आप ऑफिस के सीनियर लेवल पे हो तो आपको परक्विजिट्स जो एम्प्लॉयर से मिलेंगे वो थोड़े हायर लेवल के मिलेंगे, जैसा बंगलो मिलेगा, मान के चलो आप सीनियर मैनेजर हो तो आपको एक बंगलो मिलेगा, उससे ऊपर पोजीशन पे आप हो, है ना, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या एमडीओ, तो बंगलो प्लस कार मिलेगी। आप अगर नॉर्मल क्लर्क हो, एम्प्लॉय हो, तो हो सकता है आपको ये सब परक्यूजिट ना मिले, मतलब नॉर्मल तरीके के परक्यूजिट्स आपको दे। तो इट इज अटैच टू द पोजीशन। आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या पोजीशन है, सीनियोरिटी के हिसाब से ये परक्यूजिट्स जनरली एम्प्लॉयर देता है ना। एंड द बेनिफिट्स गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, वो तो सिंपल। फिर उसकी डेफिनेशन खास काम की नहीं है, बस पढ़ लेना हमको, क्योंकि ये सभी चीजें अभी 2 मिनट बाद हम लोग आगे पढ़ने वाले, राइट। तो देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17(2) परक्यूजिट्स इंक्लूड, क्या क्या रहता है परक्यूजिट्स में, द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू असेसी बाय हिज एम्प्लॉयर। इस पूरे चैप्टर में असेसी मतलब एम्प्लॉई, है ना, क्योंकि एम्प्लॉय के हाथ में सैलरी टैक्सेबल है। तो जो भी परक्यूजिट्स एम्प्लॉय को मिलते हैं वो टैक्सेबल है। तो उसमें एक परक्यूजिट्स है बेटा, रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो एम्प्लॉयर क्या करता है, अपने एम्प्लॉय को अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है रेंट फ्री, उससे रेंट नहीं लेगा, रेंट फ्री अकोमोडेशन, राइट। फिर दूसरा, ये भी 2 मिनट बाद देखेंगे अपन, द वैल्यू ऑफ कंसेशनल इन द मैटर ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू असेसी बाय हिज एम्प्लॉयर। ये भी सिंपल। जैसे अब मैंने रेंट फ्री ना देते हुए क्या किया, एम्प्लॉय को बोला देख भाई इसका जो है रेंट है 50,000 रुपए पर मंथ, बट मैं क्या करता हूं तुझे सिर्फ 10,000 रुपए में ये अकोमोडेशन देता हूं, रेंट पे 10,000 रुपए। देखो नॉर्मल वैल्यू कितनी है 50,000, बट मैं तुझे कंसेशनल रेट पे देता हूं। तो 50,000 के रेंट, हाउस का रेंट जो है वो हाउस में तुझे सिर्फ 10,000 में दे रहा हूं, दैट इज कंसेशनल रेट पे दे रहा हूं। तो वो भी एक परक्यूजिट हो जाएगा। 40,000 जो मैंने आपको एडिशनल बेनिफिट दिया, दैट इज परक्यूजिट, ओके। फिर थर्ड वन, द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और एम्यूनिटी ग्रांटेड और प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट और एट अ कंसेशनल रेट टू स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। अब ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज वगैरह क्या है वो सब अपन थोड़ी देर बाद देखने, राइट। तो अभी इसको वैसे ही छोड़ दो। फिर ये परक्यूजिट्स के फीचर्स देखो, क्या क्या है फीचर्स, क्या क्या है देखो। इट मे बी प्रोवाइडेड इन कैश और काइंड, ये भी आपको बताया थोड़ी देर पहले, कभी कभी कैश में भी होते। इफ इट अराइजेस इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉय, इट इज जनरली, इफ इट अराइजेस इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज। अगर ये एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में तो फिर ये सैलरी हेड में टैक्सेबल, बट अगर परक्यूजिट प्रोफेशनल, देखो इफ इट अराइजेस इन द कोर्स ऑफ प्रोफेशन देन इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। जैसे देखो अब बहुत बार क्या होता है कि मान के चलो एक कोई शॉप है ना, शॉप कैसी, एग्रीकल्चर गुड्स जो बेचते, जैसे फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, इनकी आपके यहां शॉप होगी। तो क्या होता है वहां पे मालूम है आपको, कोई एक कंपनी का, पर्टिकुलर कंपनी का, जैसा अंकुर बीज ये कंपनी का माल अगर आप बेचते हो, कंपनी बोलती है आपको, अंकुर बीज कंपनी बोलेंगी, अगर आप हमारे कंपनी का ये सीड जो है ये अगर 100 क्विंटल के ऊपर सीजन में बेचोगे तो आपको फॉरेन टूर ऑफर किया जाए। सो बहुत बार देखो ये फर्टिलाइजर वालों के केस में बहुत बार फॉरेन टूर वगैरह होते, राइट, सुना होगा आपने, आपके घर में बिजनेस होगा। तो ये परक्यूजिट कंपनी ने दिया वो शॉपकीपर को, बट बताओ ये कंपनी और वो शॉपकीपर इन दोनों का एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है क्या? नहीं, ऑफकोर्स नॉट, बिजनेस में है ना ये। तो फिर ये जो परक्यूजिट वो अंकुर बीज कंपनी इनको दे रही, फॉरेन टूर ऑफर कर रही, एक प्रकार का परक्यूजिट हुआ, बेनिफिट हुआ। तो ये कहां टैक्सेबल होगा फिर, बिजनेस हेड में टैक्सेबल होगा। गेटिंग द पॉइंट, सिंपल। An unauthorized advantage taken by employee without his employer's sanction cannot be considered as perquisite. तो unauthorized मतलब क्या, जैसे एम्प्लॉय जबरदस्ती एम्प्लॉयर को बोलता है कि मुझे वो बंगलो चाहिए, मैं वहीं पे रहूंगा, एम्प्लॉयर की बिल्कुल मर्जी नहीं, जबरदस्ती जाके रहता है, तो फिर वो आईटी इनकम टैक्स में कभी भी परक्यूजिट नहीं माना जाए। इसको डिटेल में देखेंगे अपन आगे। फिर रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ऑफिशियल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज। यस यस, देखो अभी कंफ्यूज मत होना, मैंने जो आइसक्रीम का एग्जाम्पल आपको दिया दैट इज ऑल्सो रीइंबर्समेंट बट नॉट ड्यूरिंग ऑफिशियल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज। मतलब क्या, जैसे देखो बहुत बार क्या होता है ऑफिशियल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज मतलब क्या कि आपने एक एम्प्लॉय को बोला कि देखो आपके यहां पे एक एम्प्लॉय हमारे यहां नौकरी भी करता है और उसके यहां मान के चलो एक पेपर का दुकान भी, पेपर मतलब स्टेशनरी मार्क। अब हमने उसको बोला कि एक काम करना आप है ना तो आपके शॉप से 10 पेपर के बंडल लेके आना, है ना रीम रहते पेपर रीम, वो 10 बंडल लेके आना। वो लेके आ गया, अब मैंने उसके बदले में उसको वो जो भी अमाउंट होगा उसको रिइंबर्स कर, मान के चलो 500 रुपए का रीम है तो मैंने 5000 रुपीज उसको दिए, क्या उसे आप परक्यूजिट बोलेंगे क्या? नहीं, ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए ऑफिशियल के जो काम किया उसने जो रीम लाया ऑफिस के लिए उसका जो अमाउंट है वो मैंने उसको रिइंबर्स किया। सो दैट इज नॉट अ परक्यूजिट, राइट? वो परक्यूजिट नहीं कहलाएगा, ऑफकोर्स नहीं कहलाएगा। तो देखो रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, देखो मैंने रिइंबर्स किए एक्सपेंसेस उसको, इनकर्ड फॉर ऑफिशियल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी इज नॉट अ परक्यूजिट, राइट? एंड लास्ट है अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का इनकम टैक्स पे कर दिया, है ना, लाइबिलिटी किसकी? एम्प्लॉय की, बट पे किसने किया? एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय का इनकम टैक्स पे करता है तो वो भी एम्प्लॉय के हाथ में क्या माना जाएगा? परक्यूजिट माना जाएगा। तो देखो इनकम टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट, है ना खुद के पॉकेट से, ऑन द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इज अ परक्यूजिट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, करो इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय वेदर पेमेंट इज कॉन्ट्रैक्चुअल और वॉलंटरी। भले क्यों ना उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि पेमेंट सैलरी के टैक्स का पेमेंट एम्प्लॉयर ही करेगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, फिर भी उसे क्या माना जाएगा? परक्यूजिट माना जाएगा अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ में पेमेंट कर रहे हैं किस चीज का? टैक्स का, राइट? सो इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये तो पूरा बेसिक है तो आप इसको नहीं पढ़े तो भी चलेगा क्योंकि यही सब चीजें अब आगे आने वाली, राइट? और ये परक्यूजिट्स इंक्लूड ए टू एच, अब एक एक करके हम ये सब पॉइंट्स देखते जाएंगे। ओके चल, तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। ओके, पहला परक्यूजिट है, देखो सबसे पहला परक्यूजिट वैल्यूएशन ऑफ टैक्सेबल परक्यूजिट इज डन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन लेड डाउन अंडर इनकम टैक्स रूल्स एंड वैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट परक्यूजिट्स आर गिवन बिलो। सो पहला है अकोमोडेशन का, एकोमोडेशन, कौन सा अकोमोडेशन? रेंट फ्री अकोमोडेशन। ओके, अब देखो क्या होता है रेंट फ्री अकोमोडेशन, मतलब क्या मैं पहले समझा दूं। तो हमारा एक एम्प्लॉय है ना, मेरे ऑफिस में एक एम्प्लॉय है, रादर हम लोग सबको एकोमोडेशन प्रोवाइड करते, जो भी ऑफिस में एम्प्लॉय आर्टिकल है हमारे उन सबको हम लोग अकोमोडेशन प्रोवाइड करते। ओके, तो अब ये अकोमोडेशन जो रेंट फ्री, मतलब उसका रेंट मैं नहीं ले रहा हूं, तो उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा रेंट फ्री अकोमोडेशन का? तो 4 टाइप्स में इसका वैल्यूएशन डिवाइड किया अपन ने। तो 4 कौन कौन से मैं पहले बताता हूं। अकोमोडेशन पहले केस में हम पकड़ेंगे अनफर्निश्ड है, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, कुछ भी फर्नीचर नहीं। मेरा एक अभी बना हुआ बंगलो है, मैंने एम्प्लॉय को बोला कि ये बंगलो में तू रह ले, कोई भी 4 दीवारें हैं बस, उसमें कोई भी फर्नीचर उसमें नहीं। दैट इज अनफर्निश्ड अकोमोडेशन नंबर 1, रेंट फ्री दे रहा हूं, है ना, उससे रेंट नहीं ले रहा हूं, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। फिर दूसरा है फर्निश्ड अकोमोडेशन, अब मैं उसमें फर्नीचर लगा के उसको दे रहा हूं, तो वो कौन सा हो जाए? अनफर्निश्ड में ही फिर मैं उसको फर्नीचर लगा के दूंगा तो वो हो जाएगा फर्निश्ड अकोमोडेशन। लाइक एसी लगा के दिया, टेलीविजन सेट, फ्रिज, रेडियो, ये सब चीजें मैंने उसको दी, तो ये क्या हो जाएगा, फर्निश्ड अकोमोडेशन। फिर थर्ड पार्ट देखेंगे अपन, अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट। कंसेशनल मतलब जैसा मैंने बताया कि 50,000 उसका रेंट है, मैंने उसको केवल 10,000 रेंट में दिया, तो एट कंसेशनल रेंट में मैंने प्रोवाइड किया। और चौथा है बेटा अकोमोडेशन इन होटल। होटल में हमारे एम्प्लॉइज ऑडिट करने जाते है ना, तो ऑडिट करने जाते तो वो तो अलाउंस हो गया जो मैंने पिछले बार बताया था आपको, है ना। अब ये कैसे कि मान के चलो मैं मेरे एम्प्लॉय को 2 साल के लिए मुंबई भेज रहा हूं, हमारे एक ब्रांच मुंबई में भी है, तो 2 साल के लिए उसको वहां पे भेज रहा हूं। तो फिर उसको मैं सोचा यार दिल्ली में इतना महंगा घर लेने से अच्छा एक काम कर दे, एक बड़ी होटल में, ताज होटल में, ताज मानसिंह, वहां पे मैं क्या करता हूं कि 10 रूम ही बुक करके रखे पूरे साल भर के लिए, साल भर के लिए रूम बुक करके रखे, और वो एम्प्लॉय जो भी जाता है तो 2 साल वहीं पे रहता है। अब क्या ये रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया तो फिर वो बाई वाई लगाना पड़ता, खाना बनाओ फलाना ढिमाका, उससे अच्छा तो होटल में ही रहे भाई वहां पे, राइट। तो और होटल का पूरा बिल ऑफकोर्स कौन भरता है, मैं भरता हूं, हमारी कंपनी भरती। तो वो कंपनी उसको होटल में रहने के लिए जो ये फैसिलिटी दे रहे उसे अपन क्या बोलेंगे, परक्विजिट बोलेंगे। ओके, गेटिंग द पॉइंट। तो 4 टाइप्स हो गए हमारे, 4 टाइप्स में अपन इसको पढ़ेंगे अभी। अनफर्निश्ड अकोमोडेशन पहले पढ़ेंगे, मैंने एम्प्लॉय को अकोमोडेशन दिया लेकिन वो अनफर्निश्ड है, फिर देखेंगे फर्निश्ड वाला, फिर देखेंगे अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट वाला, और फिर देखेंगे अकोमोडेशन इन होटल। ऐसे 4 पार्ट में देखेंगे उसको, राइट। तो अब पहला हम लोग स्टार्ट करते अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, अनफर्निश्ड। अब इसमें भी अनफर्निश्ड में भी 2 कैटेगरी, अनफर्निश्ड में 2 कैटेगरी। पहला कैटेगरी है बेटा, अगर आप देखो अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, ये आपने आपके एम्प्लॉय को दिया अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, सो इट इज परक्विजिट्स। अब आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन से सेक्टर के एम्प्लॉय हो, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हो सकता है, राइट। तो गवर्नमेंट सेक्टर मतलब कौन से, इट कैन बी अ सेंट्रल गवर्नमेंट और अ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कोई भी हो सकता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो इनके हाथ में, ये एम्प्लॉयज के हाथ में वैल्यूएशन कैसे होगा, एम्प्लॉयज को जो आप अनफर्निश्ड अकोमोडेशन देंगे उसका वैल्यूएशन कैसे होगा, और नॉन गवर्नमेंट वालों के हाथ में अगर वो अकोमोडेशन देंगे तो वो वैल्यूएशन कैसे होगा, तो ना अलग अलग होगा, राइट। तो पहले हम स्टार्ट करते अनफर्निश्ड अकोमोडेशन में पार्ट नंबर ए, दैट इज सेंट्रल और ई डबल हो गया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज मतलब कौन से, एग्जाम्पल इनकम टैक्स ऑफिसर्स है ना, या फिर वी कैन से सेंट्रल एक्साइज जीएसटी वाले ऑफिसर, ये सब क्या हो गए, रेलवेज, ये सब क्या हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हो गए, राइट। और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज, सेल्स टैक्स ऑफिसर, पुलिस, पुलिस है ना, ये कौन से गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय। तो उनको जो अकोमोडेशन दिया जाता है उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे, है ना, अपन वैल्यूएशन देख रहे। वैल्यूएशन क्यों निकाल रहे बेटा, वैल्यूएशन इसलिए निकाल रहे क्योंकि वो सैलरी में हमको उसकी वैल्यू ऐड करना है। ओके, तो देखो क्या बोलता है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, क्या बोलता है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स एम्प्लॉयज ऑन डेप्यूटेशन विथ अ बॉडी और अंडरटेकिंग under the control of government where the accommodation has been allotted by such a government। मतलब क्या, देखो अच्छे से सुन लो। अब मान के चलो कि ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज, मान के चलो एक IAS ऑफिसर है या IRS ऑफिसर है, उनको एक गवर्नमेंट कंपनी में अपॉइंट किया। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझ लो गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉयज जो रहते, जैसे ONGC हो गया या दूसरी कोई भेल हो गया, इनके गवर्नमेंट कंपनी के जो एम्प्लॉयज रहते, दोज आर नॉट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। गवर्नमेंट कंपनीज के एम्प्लॉय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं रहते, लेकिन ये जो मैंने बोला इनकम टैक्स ऑफिसर, ये सब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, तो एक इनकम टैक्स कमिश्नर या फिर ऐसे आईआरएस ऑफिसर का अपॉइंटमेंट एक गवर्नमेंट कंपनी में कर दिया, है ना, गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट कंपनी में दिया, और फिर वो कमिश्नर को रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड किया। देखो डिप्यूट किया है, गवर्नमेंट ने डिप्यूट किया, कहां डिप्यूट किया बेटा, गवर्नमेंट कंपनी में वो ऑफिसर को। और फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने जिसने डिप्यूट किया उसी ने रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड किया। आप समझे मैंने क्या बोला, जो ऑफिसर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का है उसने वो ऑफिसर को कहां अपॉइंट किया बेटा, डिप्यूट किया, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर को डिप्यूट किया गवर्नमेंट कंपनी में, और फिर वही सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने उस ऑफिसर को क्या प्रोवाइड किया है, रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड किया। तो डेप्यूटेशन हो सकता है ऑफिसर का, तो वो भी इसी में कवर होंगे, राइट। अगर ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने उनको क्या किया है, डिप्यूट किया, बट प्योर गवर्नमेंटल कंपनी के एम्प्लॉइज है वो यहां कवर नहीं। ओके ग्रेट। लेकिन इनको एग्जम्पशन दिया ये दो को, रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू जजेस ऑफ हाई कोर्ट और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को अगर कोई अकोमोडेशन देंगे तो उसकी पूरा वैल्यूएशन क्या है, एग्जम्प्ट। ये सब ध्यान रखो, छोटे छोटे पॉइंट्स है, इसी के ऊपर क्वेश्चंस आते फिर, राइट। कभी कभी तो एमसीक्यू वगैरह पैटर्न है ना, वो इसी पे आता है फिर। ओके, एंड रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एन ऑफिशियल ऑफ पार्लियामेंट, यूनियन मिनिस्टर, लीडर अपोजिशन इन पार्लियामेंट। अब क्या बताए इनके बारे में, है ना, पहले ही तो इतना पैसा रहता है इनके पास, स्टिल इनको क्या किया है, एग्जम्प्ट करके रखा है, इनके लिए कोई टैक्सेबिलिटी नहीं। टेक्निकल प्रॉब्लम्स रहते कुछ कुछ, है ना। तो ये जो है लीडर अपोजिशन इन पार्लियामेंट, ये सब जो लोग लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट या फिर यूनियन मिनिस्टर, इनके हाथ में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं, रेंट फ्री अकोमोडेशन की कोई टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होती। अच्छी बात है। तो हाईकोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड ऑफिशियल ऑफ पार्लियामेंट, यूनियन मिनिस्टर, ये सब आपको पता है यूनियन मिनिस्टर हो गए, तो इनके हाथ में कोई टैक्सेबिलिटी। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के हाथ में देखो, ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के हाथ में एग्जम्प्ट नहीं है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के जो है इनके हाथ में वैल्यूएशन टैक्सेबल है, सिर्फ इन दोनों के हाथ में एग्जम्प्ट है। अब इनके हाथ में टैक्सेबल है, टैक्सेबल, तो अब वो टैक्सेबिलिटी की वैल्यू क्या रहेगी वो नीचे दिया है। देखो, सो द वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन इज लाइसेंस फी डिटरमिन्ड बाय द गवर्नमेंट, है ना, देखा आपको, ये है उसका वैल्यूएशन का अमाउंट, लाइसेंस फी डिटरमिन्ड बाय गवर्नमेंट इन केस ऑफ हुम बेटा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। और सर गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉइज कहां आएंगे फिर, गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉइज ही इधर आएंगे, अदर एम्प्लॉइज, अदर में सभी आएंगे, प्राइवेट, गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉइज, सब सब सब। बट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए वैल्यू है अनफर्निश्ड एकोमोडेशन की, लाइसेंस फी डिटरमिन्ड बाय द गवर्नमेंट। अब सवाल उठा, ये लाइसेंस फी मतलब क्या, है ना, कुछ लोग अब तक वेट कर रहे थे, सर कब बताएंगे ये लाइसेंस फी क्या होती है सर। तो देखो, लाइसेंस फी इट इज डिटरमिन्ड बाय द गवर्नमेंट। लाइसेंस फी मतलब बेसिकली एक नॉमिनल रेंट इनसे वसूल करते, नॉमिनल रेंट होता है एकदम। और इनके बंगलोज भी, ये जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को जो बंगलोज दिए जाते, इनके बंगलोज भी बहुत प्राइम एरिया में रहते, लाइक सिविल लाइन्स एरिया वगैरह। हमारे नागपुर में एक सिविल लाइन्स एरिया सेंटर में नागपुर के, वहां का रेंट देखा जाए ना तो नॉर्मल अगर अपने जैसा किसी का घर है तो उसका रेंट होगा 1 लाख रुपए पर मंथ या 80,000 रुपीज पर मंथ। बट ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए जो लाइसेंस फी डिटरमिन की जाती है वो होती है 1500 रुपए पर मंथ या 2000 रुपए पर मंथ। इतने सस्ते में उसकी लाइसेंस फी डिटरमिन करता है और वो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन में या गैजेट में लिखा हुआ रहता है कि फलाने प्रॉपर्टी की लाइसेंस फी कितनी है और वो लाइसेंस फी जितनी है उतने हिसाब से फिर टैक्सेबल किया जाता है रेंट फ्री अकोमोडेशन। समझ में आया? तो अनफर्निश्ड अकोमोडेशन में हमने पहला खत्म किया सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज, उनके हाथ में टैक्सेबिलिटी और परक्यूजिट कौन से वैल्यू से आएगी? लाइसेंस फी के वैल्यू से। ओके, फिर आते अदर एम्प्लॉयज पे। तो अभी अदर एम्प्लॉयज में सब आ गए जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज नहीं है, वो सब जैसे रिलायंस के एम्प्लॉय, आशीष देओलसी क्लासेस के एम्प्लॉय, कैप एंड कंपनी के एम्प्लॉय, गवर्नमेंट कंपनीज के एम्प्लॉय, सब 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 इधर आ गए। अब उनके लिए वैल्यूएशन कैसे ले? उनके लिए all those employee who are not covered above are included in this category. तो जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं वो सब इधर आएंगे, पूरे के पूरे एम्प्लॉयज। ओके, चलो तो देखो कौन सा। अब इसमें दो पार्ट है ना, बी में दो पार्ट, कैपिटल ए और कैपिटल बी। अब दो पार्ट क्या देखो, अगर वो एकोमोडेशन एम्प्लॉयर का खुद का है, जैसे मेरे एम्प्लॉयज को मैंने रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया बंगलो, अब पहले देखा जाएगा कि वो बंगलो मेरा है, खुद का ओन कर रहा हूं, या फिर मैंने क्या किया, मैंने किसी से किराए पे लिया और फिर मेरे एम्प्लॉय को दिया। मैंने पहले किसी से लीज पे लिया और फिर मैंने एम्प्लॉय को दिया। आपके समझ में? तो ये है लैंडलॉर्ड। इससे आशीष ने एम्प्लॉयर ने किराए पे लिया और फिर दिया एम्प्लॉय को एज रेंट फ्री अकोमोडेशन। ऐसा भी हो सकता है ना, एज रेंट फ्री अकोमोडेशन, राइट। तो पहला केस हम देखेंगे, अगर वो मेरा खुद का ओन किया हुआ घर है और मेरा खुद का बंगलो पड़ा हुआ है तो मैंने एम्प्लॉय को बोला कि जा और उस बंगलो में रह ले, तो अब उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा? देखो, पॉपुलेशन ऑफ द प्लेस ऑफ स्टे, स्टे स्टे मतलब क्या, जहां पे वो रह रहा है, जहां पे वो बंगलो, ऑफकोर्स स्टे एज पर 2001 सेंसिस। अब ये तो पॉपुलेशन तो चेंज हो जाएगी, इसलिए उन्होंने फिक्स किया 2001 सेंसिस का पॉपुलेशन। अगर वो पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है, उस सिटी की 25 लाख से ज्यादा, एग्जैक्ट 25 नहीं 25 से ज्यादा है, मान के चलो मुंबई, तो फिर वैल्यू ऑफ परक्यूजिट क्या रहेगी? देखो 15% ऑफ सैलरी फॉर द रेलिवेंट पीरियड। लेट्स से एग्जाम्पल, मान के चलो सैलरी मेरा एक एम्प्लॉय है ओम, ओम की सैलरी है 1 लाख रुपए पर मंथ, 1 लाख रुपए पर मंथ, और मैंने ओम को रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया मुंबई में। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट? तो फिर वो आएगी 15% ऑफ सैलरी, कितना आएगा? 15,000। और ये 15,000 पर मंथ अब ऐड होगा आपके टैक्सेबल सैलरी में, बीइंग इट इज परक्यूजिट। अब समझ में आया? यस, सिंपल रहता है, कोई कठिन नहीं। ओके, फिर अगर वो सिटी का पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा नहीं, 10 लाख, अब 10 लाख से लेके अप टू 25 लाख, एग्जैक्ट 25 लाख, तो यहां 10 लाख भी कवर है और 10 लाख से 10 लाख या उससे ज्यादा, लेकिन कब तक? 25 लाख तक। तो फिर परक्यूजिट की वैल्यू आएगी 10% ऑफ सैलरी, सैलरी का 10%। और अगर ये 10 लाख से कम है, इफ इट इज लेस देन 10 लाख, देन 7.5% ऑफ सैलरी। तो जैसे जैसे शहर छोटा छोटा होते जाता है परक्यूजिट की वैल्यू कम कम होते जाती, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसका वैल्यू भी तो कम होगा ना। सिटी अगर छोटी होगी तो वैल्यू कम होगा, राइट। तो देखो, अगर सिटी की पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा तो परक्यूजिट 15% ऑफ सैलरी, 10 लाख या उससे ऊपर बट 25 लाख तक तो 10% ऑफ सैलरी, और 10 लाख से कम है तो फिर 7.5% ऑफ सैलरी। ओके, गेटिंग द पॉइंट, फिट हो गया दिमाग में, फिट फिट फिट। ये सिर्फ अदर एम्प्लॉय के लिए, गवर्नमेंट का तो लाइसेंस फी प्लेन अदर एम्प्लॉयज के लिए, और वो भी तब जब एम्प्लॉयर का खुद का अकोमोडेशन है। वो जो बंगलो था वो मेरा खुद का है। अब देखो, अब अगर वो मैंने किराए पे लिया है, देखो वेयर द अकोमोडेशन इज टेकन ऑन लीज और रेंट बाय द एम्प्लॉयर। अब वो मैंने किराए पे लिया और फिर आपको दिया, तो फिर क्या देखा जाएगा? फिर देखा जाएगा कि मैं वो लैंडलॉर्ड को कितना रेंट पे कर रहा हूं, मैं कितना रेंट पे कर रहा हूं, लीज रेंट, और 15% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लेस इज द परक्यूजिट वैल्यू। ओके, तो इसी एग्जाम्पल में देखते अपन। देखो, अब मान के चलो कि ये है अपना, मेरा खुद का अकोमोडेशन नहीं है, अब किसी से लीज पे लिया हुआ और मैं उसको लीज रेंट दे रहा हूं, लीज रेंट पेड 12,000 रुपीज, 12,000 रुपए लीज रेंट पे कर रहा हूं। ओके, तो अब कैसे करेंगे? देखो वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या आएगी, तो ये लीज रेंट पेड 1 हो गया और इसको कंपेयर करेंगे और 15% ऑफ सैलरी, सो इट कम्स 15,000, विच एवर इज लेस इज वैल्यू ऑफ परक्विजिट। तो लेस क्या आएगा? 12,000, तो 12,000 इज परक्विजिट। ओके, समझ में आया? बट हां, एक बात यहां ध्यान रखना आप कि ये जो 15% दिख रहा है ये यहां फिक्स है, मतलब ये पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं है। नहीं तो आप बोलेंगे सर 15% क्या आप 25 लाख के ऊपर है तो ही कंसीडर करेंगे क्या? नहीं, ये तीनों केस में, ये तीनों कोई भी पॉपुलेशन हो, सिटी की पॉपुलेशन को कोई लेना देना नहीं। अगर एम्प्लॉयर ने लीज पे लेके एम्प्लॉय को दिया है तो हमेशा वो 15% ऑफ सैलरी ही देखेंगे, उसमें 10 या 7.5% का स्लैब नहीं देखेंगे। ओके, पहली बार आपके समझ में आ गया कि ये बता दो अनफर्निश्ड अकोमोडेशन के क्या देखा। अनफर्निश्ड अकोमोडेशन में दो पार्ट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, लाइसेंस फी अलग कर दो उसको, बिल्कुल अलग, और दूसरा अदर एम्प्लॉइज। अदर एम्प्लॉइज के केस में हमने दो पार्ट देखे बेटा। क्या एम्प्लॉयर का खुद का अकोमोडेशन है? अगर है तो 15%, 10%, 7.5%। और अगर खुद का अकोमोडेशन नहीं है, मतलब उसने रेंट पे लेके आपको दिया, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर देखेंगे सर कि एम्प्लॉयर उस लैंडलॉर्ड को कितना पैसा पे कर रहा है, लीज रेंट वो पे कर रहा है ना उसको, तो वो आपके हाथ में। लॉजिक समझो आप। अरे मैं आपके लिए, आपको एम्प्लॉय को ये घर किराए पे देने के लिए मैं मेरी जेब से पैसा पे कर रहा हूं ना, मैं मेरी जेब से पैसा पे कर रहा हूं भाई, तो वो वैल्यू और 15% विच एवर इज लेस। ओके, ग्रेट, फैंटास्टिक। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट, फर्निश्ड अकोमोडेशन। फर्निश्ड अकोमोडेशन क्या होता है? अब देखो, अब अनफर्निश्ड का देखो, अनफर्निश्ड का वैल्यूएशन करके आ गए आप, राइट? अब उसमें फर्नीचर का वैल्यूएशन ऐड कर दो तो बन गया फर्निश्ड। कितना सिंपल। तो अनफर्निश्ड का करके आया पीछे से, अब उसमें बस फर्नीचर का वैल्यू ऐड करना है, राइट? तो देखो क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन एज कैलकुलेटेड अबाउ। ये दिखा आपने। अब अबाउ मतलब ऊपर मत जाना, पीछे हो। ओके, बहुत ही बड़ा वाला पांचट था, राइट? तो ये अनफर्निश्ड अकोमोडेशन का वैल्यू, और इसमें अब फर्नीचर का वैल्यू ऐड करना है। ओके, अब इसमें भी दो पार्ट आएंगे। ये जो फर्नीचर है, एसी, फ्रिज, टीवी, रेडियो, ये सब मैंने जो बोले आपको, ये सब फर्नीचर से या एक्चुअल फर्नीचर। हो सकता है कि ये सब फर्नीचर या ये जो सब मैंने बताया आपको चीजें, ये सब मेरी खुद की है, या फिर ये भी चीजें मैंने किसी से किराए पे लेके आपको दी, या मेरी खुद की है, एसी मेरा खुद का है, या फिर मैंने क्या किया, कहीं से किराए पे लिया और फिर आपको प्रोवाइड किया। ओके, तो देखो उसमें भी ऐड द वैल्यू ऑफ फर्नीचर। अगर ये सब चीजें मेरी खुद की है, देखो इफ इट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, फर्नीचर, टीवी, ये सब मेरा है अब, तो फिर उसकी वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या रहेगी? 10% पर एनम, साल भर के लिए ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। तो ये देखो, ये निकल गया आपका अनफर्निश्ड का वैल्यूएशन। अब इसमें मैं क्या करूंगा, सिंपल, मैंने एसी दिया, एसी कितने का है, ओरिजिनल कॉस्ट, मान के चलो एसी है 50,000, उसका सीधा सीधा 10% कर देंगे तो 5,000 और ऐड हो जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, राइट। या जो भी एसेट होंगी उसका सिर्फ 10% पर एनम करो। सर एक सवाल दिमाग में आया, मैं पूछा क्या, स्टूडेंट बोला सर अगर वो एम्प्लॉय हमारे यहां मान के चलो सिर्फ 9 मंथ्स के लिए, पूरे साल भर के लिए नहीं, अब यहां तो 10% पर एनम लिखा है ना, फैंटास्टिक क्वेश्चन। तो अब क्या करेंगे आप, अब क्या करेंगे, ये जो 10% आएगा ये 10% है 12 महीने के लिए, तो 9 महीने के लिए कितना, इसका वैल्यूएशन निकालना। मतलब इन शॉर्ट आप प्रोपोर्शनेट, अगर वो पूरे साल भर नहीं है क्योंकि ये पर एनम है, अगर वो साल भर नहीं है तो प्रोपोर्शनेट वैल्यू ही यहां टैक्सेबल होगी, राइट। फर्नीचर की क्या होगी, प्रोपोर्शनेट वैल्यू ही टैक्सेबल हो जाएगी, ओके। तो 10% बेसिकली, अब पूरी वैल्यू तो टैक्सेबल नहीं कर सकते ना, एसी की 50,000 पूरी करेंगे क्या, ऑफकोर्स नॉट। अरे वो क्या हमेशा के लिए रह रहा है क्या आपके यहां, नहीं। तो ये 10% पर एनम ठीक है, हर साल 10-10%, अगले साल भी 10% पर एनम, फिर से 5,000। अच्छा ओरिजिनल कॉस्ट, यार डेप्रिसिएट मत करना उसको, ओरिजिनल कॉस्ट का ही 10%, हर साल ओरिजिनल कॉस्ट का। ऐसा नहीं कि अब अगले साल है ना तो सर 45,000 का 10% लेंगे, नहीं नहीं नहीं, हर साल 5,000 ओरिजिनल कॉस्ट का 10%। तो देख, एंड इफ इट इज हायर्ड फ्रॉम थर्ड पार्टी, तो अगर वो मैंने थर्ड पार्टी से लिया, कोई पार्टी से लेके फिर मैंने आपको दिया, तो फिर एक्चुअल हायर चार्जेस, जितने चार्जेस मैंने वो पार्टी को पे किया उतना इसमें ऐड करना, दैट इज वैल्यू ऑफ परक्यूजन, ओके। तो दो में से एक ही आएगा कोई, है ना, या तो खुद का होगा या तो फिर मैंने किसी से हायर करके दिया। इफ द फर्नीचर इज प्रोवाइडेड फॉर पार्ट ऑफ, देखो दिया भी है, पार्ट ऑफ द ईयर, वैल्यूएशन विल बी प्रोपोर्शनेट, तो फिर प्रोपोर्शनेट वैल्यूएशन करें। और फर्नीचर क्या होगा, इंक्लूड टीवी सेट्स, रेडियो, रेफ्रिजरेटर, अदर हाउस होल्ड अप्लायंसेस, एसी, प्लांट और इक्विपमेंट, कुछ भी हो सकता है। बोल कोई डाउट है, बोलो जी, फटाफट बोलो, है ना। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, राइट। बहुत सिंपल है यार, कोई कठिन नहीं है ना। चल, थर्ड पार्टी, एकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट, ये तो बहुत ही सिंपल है। तो एकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट मतलब क्या, कि मैंने वो एकोमोडेशन, उसका वैल्यू निकाला ऊपर से, और फिर मैंने एम्प्लॉय से कितना पैसा लिया, ऊपर वैल्यू निकाला और मैंने उससे कितना पैसा लिया। जैसे मैंने वैल्यू, मान के चलो देखो लिखा है, वैल्यू ऑफ फर्निश्ड और अनफर्निश्ड अकोमोडेशन एज कैलकुलेटेड अबाव, तो उसकी वैल्यू निकली, मान के चलो वैल्यू निकली 1,00,000 रुपए सबकी मिला, और मैंने रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को बोला देखो ये वैल्यू उसकी टोटल 1,00,000 आती है, बट आप है ना तो मुझे सिर्फ 40,000 दे दो, 40,000 एम्प्लॉय ने मुझे दिए, तो 60,000 ये हो जाएगा, 60,000 का कंसेशन दिया मैंने, है ना, कंसेशनल रेट, सो दैट 60,000 वुड बी ट्रीटेड एज परक्यूजन, है ना। 60,000 कम लिया ना मैंने, तो एक प्रकार का आपको बेनिफिट दिया, 40,000 आपसे लिए, 1,00,000 की चीज के मैंने आपसे 40,000 लिए, तो 60,000 बेनिफिट दिया, दैट इज परक्यूजन। तो देखो, रेंट ऑफ फॉर द हाउस और फर्नीचर चार्ज्ड बाय एम्प्लॉय, चार्ज्ड बाय एम्प्लॉय, या फिर लिख सकते हो रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉई, तो ये माइनस करेंगे तो आएगा वैल्यू ऑफ कंसेशन या वैल्यू ऑफ परक्यूजन, वेरी सिंपल, ओके, ग्रेट। देन लास्ट है अकोमोडेशन इन होटल। अब जो मैंने बोला था कि मैंने वो होटल साल भर के लिए लेकर रखा और फिर एम्प्लॉय वहां पे जाके रहते, पाई वाई का लफड़ा नहीं, अब वहां पे खाना खाओ, रहो और फिर अपना काम करो। सो होटल का बिल जो मैं भरता हूं, सो व्हाट विल बी द परक्यूजिट, तो देखो वहां पे क्या बोलूं, 24% ऑफ द सैलरी, 24% ऑफ सैलरी, और ऑफ नहीं हो, और है, और actual hotel charges whichever is less. तो अब सैलरी का कितना करो आप 24% ऑफ द सैलरी और एक्चुअल चार्जेस जो मैंने होटल को पे की विच एवर इज लेस इज योर परक्यूज. वेरी सिंपल. तो होटल के केस में 24% और एक्चुअल होटल चार्जेस विच एवर इज लेस. सिंपल. फिर एक एग्जम्पशन है वो भी देख लो. अभी होटल के केस में एक एग्जम्पशन है. क्या है देखो, अकोमोडेशन इन होटल विल नॉट बी टैक्सेबल. एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल नहीं करेंगे, परक्यूजिट बोल के परक्यूजिट नहीं माना जाएगा एम्प्लॉय के हाथ में अगर द पीरियड ऑफ सच अकोमोडेशन डज नॉट एक्सीड 15 डेज. एग्जैक्ट 15 डेज भी चलेगा, डज नॉट एक्सीड 15 डेज मतलब 15 दिन तक भी चलेगा. एंड इट इज प्रोवाइडेड ऑन अ ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड वर्ड. मतलब क्या, अगर कोई एम्प्लॉय का तबादला हो रहा है, ट्रांसफर हो रही है ना, तो मैंने नागपुर से निकाल के उसको मुंबई में परमानेंट ट्रांसफर ही करवा दिया उसका, और फिर वहां पे उसको बोला कि देख तुझे टाइम लगेगा भाई घरवर देखने में, तो एक काम कर तू 15 दिन या 8 दिन या 4 दिन वो होटल में रह सकता है ना, क्योंकि तबादला एकदम से कहां से घर मिलेगा उसको. तो ये 15 दिन का जो वैल्यू है परक्यूजिट का वो हम टैक्सेबल नहीं करेंगे. मतलब उसके लिए 24% और एक्चुअल चार्जेस पेड कैलकुलेट नहीं करेंगे, ओनली फॉर 15 डेज. अच्छा ये 15 डेज मान के चलो, हाँ ये भी क्वेश्चन आ सकता है. अब मान के चलो कि वो एम्प्लॉय है ना, तो पहले केस में मतलब मैंने मुंबई में ट्रांसफर करवाया उसका, तो वो उसको मैंने 10 दिन का मतलब वो 10 दिन होटल में रहा और फिर उसने उसका घर कर लिया, घर मिल गया उसको मुंबई में, तो 10 दिन का वैल्यू हम लोग एग्जाम करेंगे. मतलब उसके लिए कोई उसको कोई परक्यूजिट नहीं माने. अब मैंने क्या किया, फिर से 4 महीने का उसका 4 महीने में उसका तबादला कर दिया, फिर से उसको भेज दिया दिल्ली. बहुत ही अच्छा काम कर रहा था, तो मुंबई से हमारी दूसरी ब्रांच दिल्ली में भेजा. अब सवाल उठा बॉस, अब क्या ये देखो 10 दिन पहले हो गए, उसको टोटल कितना स्टे अलाउड है 15 दिन, 10 दिन तो हो गए. अब दिल्ली में जब जाएगा तो क्या वापस उसको 15 दिन का मिलेगा क्या, यह सवाल है. तो ध्यान रखना ये 15 डेज जो है ये पर एनम है, पर एनम. पर एनम मतलब क्या कि दिल्ली में अगर वो उसी साल जा रहा है तो अब वो 5 दिन का परक्यूजिट ही एग्जम्प्ट माना जाएगा, केवल 5 दिन का. तो 5 दिन में उसको घर देखना पड़ेगा, अगर उसने नहीं देखा तो फिर 15 दिन छोड़ के आगे जितने भी दिन रहेगा वो उसका परक्यूजिट हमको टैक्सेबल करना पड़े. तो साल में 15 दिन है, एक एम्प्लॉय को एक साल में 15 डेज अलाउड है विदाउट परक्यूजिट एग्जेम्पशन अगर उसका. लेकिन हाँ, तो वो भी तब जब उसका तबादला हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है. अगर हम नॉर्मल किसी को भेज रहे तो वो 1 दिन भी रहा बिना तबादले के, जो ट्रांसफर नहीं हो रही, ऐसे ही उसको भेजा है हमने काम करने के लिए और उसको होटल में रखा है परक्यूजिट बोल के, हम होटल का रेंट पे कर रहे हैं, तो फिर उसका ये कैलकुलेट करना पड़ेगा 24% और एक्चुअल चार्ज. आर यू गेटिंग द पॉइंट? वेरी गुड. तो ये 15 डेज जो है वो पूरे साल के पर एनम पार्ट में भी लेंगे तो 15 दिन तक ही एग्जेम्पशन है, और वो भी ट्रांसफर पे. ओके, सो ये 4 हो गया. आप यहां तक वापस एक बार पहले पढ़ लेना ओके, और फिर आगे देखना क्योंकि ये पक्का होना चाहिए आपके. एंड आई होप कि आपको पूरे दिमाग में फिट हो चुके चारों. ओके, एक बार फटाफट आप नजर घुमा लो, मुझे विश्वास है कि आपको समझ जाएगा 100%. ओके, तो होटल के केस में कितना है 24% ऑफ द सैलरी और एक्चुअल चार्जेस ऑफ द होटल विच एवर इज लेस विल बी द परक्यूजिट. फिर कुछ एग्जेम्पशंस दिए, जनरल एग्जेम्पशन वो भी देख लेते फटाफट. इफ एम्प्लॉय वर्किंग एट, कहां वर्क कर रहा है, माइनिंग साइट. माइनिंग साइट पे एम्प्लॉय है, कोयले के माइन्स वगैरह रहते हैं, रिमोट एरियाज में रहते हैं ना, माइनिंग साइट वगैरह, तो वहां पे अगर उनको हम कोई अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं माइनिंग साइट पे, तो फिर वो अकोमोडेशन को टैक्सेबल नहीं करेंगे, भले ये रेंट फ्री, टैक्सेबल नहीं करेंगे माइनिंग साइट पे. या फिर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइट, वो साइट अंडर कंस्ट्रक्शन साइट्स रहते हैं ना, बड़े बड़े बंगलोज, या देखो अभी मेट्रोज चल रही है हर सिटी में, तो वहां पे वो ब्रिजेस खड़े करते, तो हम एम्प्लॉयज को ऐसी झोपड़ियां देते, वो रहते और फिर वो ब्रिज आगे बढ़ गया तो फिर आगे वो लोग अपनी झोपड़ी लेके जाते। तो ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइट्स। फिर ऑनशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट, ऑयल वगैरह ऑयल वेल्स रहते, वहां पे ऑयल एक्सप्लोर करने के लिए एम्प्लॉयज जाते, तो उनके लिए जो हम अकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। डैम साइट, डैम साइट आपको मालूम है डैम वगैरह कंस्ट्रक्शन होते, वहां पे फिर वो दरवाजा गेट खोलने के लिए बंद करने के लिए एम्प्लॉयज रहते, उनको अगर हम कोई अकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। ऑफशोर साइट, समुन्द्र के अंदर जो लोग काम करते। पावर जनरेशन, ये तो मालूम है आपको पावर जनरेशन होगा। तो ये सब के लिए जो भी हम अकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे वो टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन उसके लिए देखो क्या बोलता है, आगे दिया सिचुएशन ऑफ द हाउस। कैसी सिचुएशन, देखो हाउस शुड ईदर बी लोकेटेड 40 किलोमीटर्स, जिसको अपन रिमोट एरिया बोलेंगे, अब किसको देखो 40 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम एनी टाउन हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 20,000 और मोर। मतलब क्या, जहां पे आपका अकोमोडेशन है, जो हाउस है आपका हाउस, वहां से 40 किलोमीटर तक ये दिशा में, ऊपर कहां से हो, इधर सामने पीछे और इधर, ये चारों दिशा में 40 किलोमीटर तक कोई ऐसा गांव नहीं होना चाहिए जिसका पॉपुलेशन 20,000 से ज्यादा है। राइट, मतलब क्या कि आपका घर यहां पे है, ये जो अपन ने अभी देखे ना ये साइट्स देखे सब, इनके लिए ये सब एग्जिबिशन के लिए है ना। तो यहां जो अपन रह रहे हैं ये हाउस है अपना, तो इसके 40 किलोमीटर तक, 40 किलोमीटर तक सभी दिशाओं में 40 किलोमीटर तक, दूर दूर तक 40 किलोमीटर तक कोई ऐसा प्लेस नहीं होना चाहिए जिसका 20,000 से ज्यादा पॉपुलेशन है। तो हम इसे रिमोट एरिया बोलेंगे, फिर रिमोट एरिया में हाउस है ऐसा बोलेंगे रिमोट एरिया, और फिर उसको टैक्सेबल एग्जाम करेंगे। और दूसरी कंडीशन है देखो, और हाउस शुड बी लोकेटेड 8 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द लोकल लिमिट्स और म्युनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट ऑफ बोर्ड। मतलब कोई शहर के 8 किलोमीटर म्यूनिसिपैलिटी से 8 किलोमीटर दूर तक जो एरिया देखो वहां पे हाउस होना चाहिए आपका। हाउस शुड बी लोकेटेड 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम लोकल, हर शहर की म्यूनिसिपल लिमिट होती है, कॉर्पोरेशन की लिमिट आप देखते होंगे, ये शहर की हद समाप्त, नए शहर की हद शुरू होती है। राइट, तो जहां पे वो हद समाप्त हो गई, म्यूनिसिपैलिटी का एरिया खत्म हो गया, वहां से 8 किलोमीटर से दूर होना चाहिए वो हाउस। राइट, वो एरिया से 8 किलोमीटर से दूर। प्रोवाइडेड द अकोमोडेशन इज ऑफ टेम्पररी नेचर, और वो अकोमोडेशन टेम्पररी नेचर का होना चाहिए, झोपड़ी वगैरह सब, और उसका प्लिंथ एरिया डज नॉट एक्सीड्स 800 स्क्वायर फीट। प्लिंथ एरिया मतलब जो कंस्ट्रक्शन एरिया रहता है उसे प्लिंथ एरिया बोलते। तो कंस्ट्रक्शन एरिया 800 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं समझ में आया, वापस एक बार। तो पहला पॉइंट देखा हमने कि जहां पे आपका हाउस है वहां से चारों दिशाओं में 40 किलोमीटर तक ऐसा कोई गांव नहीं चाहिए जिसका पॉपुलेशन 20,000 से ज्यादा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, रिमोट एरिया, और वहां पे जो घर होगा फिर वो एग्जाम किया जाएगा ड्यूरिंग ये सब काम। राइट, और दूसरा देखा हमने कौन सा एरिया बेटा, रूरल एरिया। रूरल एरिया कब माना जाएगा, अगर वो म्यूनिसिपैलिटी से 8 किलोमीटर दूर है। रूरल जैसा देखा था रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, राइट, तो वैसे ही म्यूनिसिपैलिटी से 8 किलोमीटर आगे है, 8 किलोमीटर से दूर है, और जो हाउस है जो 8 किलोमीटर से दूर है उसके लिए प्रोवाइडेड, मतलब ये क्लॉज के लिए ये सब ए और बी पॉइंट है, वहां टेम्पररी नेचर का घर होना चाहिए आपका, और वो घर 800 स्क्वायर फीट से ज्यादा उसका कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, प्लेन एरिया। ओके ग्रेट, ये ठीक है, थियोरेटिकल है सब, याद रख लो एक बार, कम बार एग्जाम में आता है। ये जो सेकंड पॉइंट है ये मैं थोड़ी देर बाद बताता हूं आपको। अब देखो, अब आया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे याद है आपको एचआरए पर्पस के लिए हम लोगों ने सैलरी निकाला था, एचआरए पर्पज के लिए, याद है आपको, सैलरी है ना, बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी और रिटायरमेंट बेनिफिट्स, याद है आपको, या इफ द एम्प्लॉयमेंट टर्म सो प्रोवाइड। एंड तीसरा देखा था कमीशन फिक्स परसेंटेज वाला, सिर्फ एचआरए पर्पज के लिए, है ना। अब वैसे ही जो हमने यहां देखा 15% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, 7.5% ऑफ सैलरी, 24% ऑफ सैलरी। अब व्हाट इज सैलरी बॉस, तो ये सैलरी यहां, तो हर केस के लिए आपको सैलरी अलग अलग ध्यान रखना पड़ेगा, सैलरी में क्या क्या आता है, अब क्या करें वो सब ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, राइट। तो देखो यहां सैलरी में क्या आता है, मैं तो CA CS बन गया भाई, आप देखो ऊपर डिग्री देखो लिखा हुआ है, दिखा आपको, अब आपको तो पढ़ना पड़ेगा। कुछ लोग गाली दे रहे मन ही मन मुझे, अब क्या करें, हमने भी पढ़ा है भाई, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। तो देखो सैलरी इंक्लूड्स बेसिक सैलरी, बेसिक आएगा, फिर डीए इफ इट कंसीडर फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब ही फॉर्मिंग पार्ट वाला है ना, फॉर्मिंग पार्ट, तो ये 50% फॉर्मिंग पार्ट है तो 50% ऐड होगा, फुल फॉर्मिंग पार्ट है तो फुल ऐड होगा, है ना, डीए। फिर ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, अब देखो अलाउंस पढ़ के आए ना, तो जो भी टैक्सेबल होंगे वो सब इसके लिए आ गए, सैलरी में आएंगे। फिर बोनस, कमीशन और एक्सग्रेशिया उन्हें सी रहता है, और एनी अदर मॉनिटरी पेमेंट्स, राइट, ये सब इसमें इंक्लूड होगा, जो भी मॉनिटरी पेमेंट्स होंगे वो सब इसमें इंक्लूड होगा, राइट। तो क्या क्या आ गया देखो, बोनस यहां पे, कमीशन पूरा मतलब फिक्स परसेंटेज वाला भी और नॉर्मल वाला भी सभी आ गए, और कोई भी मॉनिटरी बेनिफिट्स अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिए वो सब आप सैलरी के पर्पस के लिए इंक्लूड करें, और फिर उसका 15%, 10%, 7.5 या 24 करें, ओके। तो क्या क्या है देखो, बेसिक, डीए फॉर्मिंग पार्ट, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, फिर बोनस, कमीशन, और फिर लास्ट में एनी अदर मॉनिटरी पेमेंट्स। अब क्या क्या नहीं लेंगे, तो देखो अदर डीए मतलब जो फॉर्मिंग पार्ट वाला नहीं, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, RPF स्टैंड फॉर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो इसमें एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, तो वो कंट्रीब्यूशन जो करेंगे उसको इंक्लूड नहीं करना है। इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर RPF के ऊपर, वो भी नहीं लेना है। एग्जेम्प्टेड अलाउंस नहीं लेना है, यहां पे क्लियर कट लिखा है ऑल टैक्सेबल, मतलब एग्जेम्प्टेड अलाउंस नहीं लेना है। एंड वैल्यू ऑफ परक्यूजिट, तो परक्यूजिट की वैल्यू कैसे लेंगे, उसी को तो निकाल रहे, इसलिए वैल्यू ऑफ परक्यूजिट नहीं लेना, ओके। तो ये अभी के अभी पढ़ लो आप, इसको याद ही करना पड़ेगा, उसके लिए ऑप्शन नहीं, राइट। सो दिस इज सैलरी फॉर दिस परक्यूसेट, ओके। और फिर वही पॉइंट है, सैलरी टू बी डिटरमिन ऑन ड्यू बेसिस, मतलब सैलरी में अरियर्स ऑफ सैलरी और एडवांस सैलरी ये दोनों नहीं लेंगे, अरियर्स और एडवांस नहीं लेंगे। एंड व्हेन सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर, अगर एक से ज्यादा एम्प्लॉयर्स में, तो पूरी सैलरी लेना पड़ेगा, मतलब आप अगर एक से ज्यादा एम्प्लॉयर के यहां काम कर रहे हो तो फिर पूरी सैलरी। देखो द एग्रीगेट ऑफ सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम बोथ द एम्प्लॉयर्स, बोथ मतलब दो या दो से ज्यादा भी हो सकते, उनको भी बोथ बोलते, फॉर द पीरियड फॉर विच द अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड शॉल बी टेकन इन टू अकाउंट इवन दो द अकोमोडेशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय वन एम्प्लॉय। मतलब क्या कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में भी आप काम कर रहे हैं और आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर रहे हैं, बट ये जो बेनिफिट दे रहा है रेंट फ्री एकोमोडेशन का, ये सिर्फ मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, वो नहीं कर रहा है। लेकिन जब सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ मेरी नहीं, उसकी भी सैलरी इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, इवन इफ द बेनिफिट हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड बाय दैट एम्प्लॉय, उसने नहीं किया, फिर भी आपको सैलरी कैलकुलेट करते समय उसकी सैलरी भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ओके। ग्रेट, मजेदार है सैलरी, है ना। ये कोई लॉजिक बहुत कम है इस चैप्टर में, इस चैप्टर में थोड़ा सा याद रखने वाली चीजें ज्यादा है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट रेंट फ्री अकोमोडेशन, इसके क्वेश्चन पार्ट हम लोग बाद में देखेंगे, अभी आप एक बार रिवाइज करके देता हूं मैं फटाफट आपको। तो पहला पार्ट हमने देखा बेटा, इसमें अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, दूसरा फर्निश्ड, तीसरा कंसेशनल और चौथा होटल, और चारों का अलग अलग बताया मैंने। अनफर्निश्ड में दो आ गए, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के, और फिर अदर एम्प्लॉयज। फर्निश्ड में तो सेम रहेगा क्योंकि ऊपर से वैल्यूएशन करके आए ना अपन, अनफर्निश्ड का वैल्यूएशन करके, इसलिए इसमें भी दो है, गवर्नमेंट और अदर, क्योंकि उनका ही अपन लेके आए वैल्यूएशन और उसमें सिर्फ फर्नीचर की कॉस्ट ऐड कर दी। कंसेशनल में भी सेम, क्योंकि ऊपर से ही वैल्यूएशन आया। होटल में आपको 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस पेड टू द होटल विच एवर इज लेस। और फिर कौन से परक्यूजिट एग्जेम्प्ट है वो भी देखा। और होटल में वो भी एक पॉइंट, 15 डेज तक तबादले के समय, ट्रांसफर के समय जो भी अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा होटल में वो एग्जेम्प्ट। ओके।